नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है? स्क्रीन पर जो पिक्चर लगी हुई है उससे तो आपको पता ही चल रहा होगा। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने कई अच्छी फिल्में दी जैसे MS धोनी, PK आदि, काफ़ी फिल्में इनकी मशहूर रहीं। सुशांत सिंह जी के देहांत के बाद नेपोटिज्म की चर्चाएं सभी तरफ देखने को मिल रही हैं। तो नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई भतीजावाद होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत ने भी कुछ कहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने कहा है, नेपोटिज्म एक कुप्रथा है, लेकिन नेपोटिज्म और टैलेंट दोनों आपस में अगर को एग्जिस्ट करें तो सब कुछ ठीक है। नेपोटिज्म जानबूझकर नहीं करना चाहिए, ये बेकार है। और नेपोटिज्म हर जगह, वैसे तो भारतीय संविधान के अनुसार नेपोटिज्म तो होना ही नहीं चाहिए। नेपोटिज्म तो घातक ही है, दूसरों की प्रगति को रोकता है। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने टैलेंट के दम पर भी पहुँचे हैं और उन्होंने महान मुकाम हासिल भी किए हैं, जैसे राजकुमार राव, निजामुद्दीन सिद्दीकी और सुशांत सिंह राजपूत, जो भी अपने टैलेंट की बदौलत काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। इन्होंने कहा कि जो नए एक्टर होते हैं, जो गांव देहात से जाते हैं, छोटे शहर से उठकर जो अब फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद भी उन्हें नेपोटिज्म का सामना करना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी चुनौती करनी पड़ेगी। मतलब उन्हें आम एक्टर से 2 या 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उनका छोटा शहर है, छोटा लेकिन सपना बड़ा है, लेकिन वहाँ बॉलीवुड में पहुँचते पहुँचते वो कुछ लोग ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो इस आर्टिकल के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, जो काबिल है केवल उसी को राजा बनना चाहिए। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर वो काबिल है डॉक्टर का बेटा तो वो डॉक्टर बने, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बने अगर वो काबिल है। अगर आम इंसान भी काबिल है, टैलेंट है उसके अंदर, तो उसे भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।